ऐसे होते हैं भाई, आराम से आना। हाँ आराम से, ग्रिप बना के आओ। सब बर्फ फाइनली हम लोग निकलने वाले हैं मनाली के लिए। सो भाई एक बार जयकारा लगा दो, राजेश लगवा दे। बोलो वीर बजरंगी हर हर महादेव। चलो भाई निकलते हैं। सो गाइस अभी हम लोग हैं बद्दी में और कुछ ऐसे सस्ते होटल मिल गया है, ढाबा सही पे कुछ खाने वाले हैं। उसके बाद निकलते हैं हम लोग, थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया। और यहाँ से हम लोग बद्दी से निकलने वाले सीधा मनाली के लिए, और ये पीछे है छोटा सा ढाबा। तो अभी जो मिल रहा है इसमें मिल रहा है, इसे देखते हैं, सुबह खाकर देखते हैं एंड चलते हैं। जो भी चीज़ मिलती है उसमें मैनेज करना पड़ता है। चाय थोड़ी ऐसी थी जो भी चीज़ था खाने में, बट हमने मैनेज कर लिया क्योंकि अभी लोग ऊपर जाना है और काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएंगे, हमें रात तक पहुँचना है कैसे भी करके। अभी हम बद्दी में हैं, यहाँ से करीब हमें अभी बज रहे हैं रात, अभी करीब एक बजने वाला है, 11:30 समथिंग हो रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग 6 बजे तक पहुंच जाएंगे एंड वहां पर देख के आपको व्यू दिखाऊंगा कि कैसा भी मनाली में हो गया है आफ्टर लॉकडाउन, क्या क्या चेंजेस आए, सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है। मैं तेरे बाप को मत सिखा। ऑलराइट गाइस, सो गाइस अभी आ चुके हैं फाइनली बिलासपुर। बिलासपुर से अभी जो हमारा मनाली का सफ़र है वो रहेगा करीब 170 से 180 किलोमीटर। सो अभी हम लोग बिलासपुर में, यहाँ पर पीछे जो ढाबा देख सकते हो, अभी सोचा थोड़ा बहुत खा लेते हैं कुछ। अभी दोपहर के करीब 2 बजने वाले हैं, 2 बज रहे हैं, हम लोग शाम के करीब 7-8 बजे तक पहुँचेंगे। और मैं मनाली में जाके एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, गढ़ जाने का। हाँ मनाली में एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, मनाली में मैं कुछ बॉलीवुड स्टार से मिलने वाला हूँ और आप लोगों को भी मिलवाने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखते रहना एंड वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर दो। बाकी अंदर चलते हैं, खाना खा लेते हैं एंड मिलते हैं वीडियो में। सो गाइस अभी हम ढाबे के अंदर हैं और यहाँ का बिलासपुर का कुछ व्यू देखो, कुछ इस तरह का व्यू है। ये देखो ये है भाई बिलासपुर पूरा, और बिलासपुर कुछ इस तरह का आपको दिखेगा, प्रॉपर पहाड़ है। सो गाइस फाइनली हम लोग 15 आवर्स के बाद पहुँच चुके हैं मनाली। एंड अभी जिस मैं लोकेशन पे हूँ वो एक कैफ़े है जो कि हमारे फ्रेंड का है, इसका नाम जैक एंड जिल्स है, जहाँ पर आप लोगों को कुछ ऐसी लोकेशन देखने के लिए मिलेगी। सो हुआ ये था गाइस कि मैं लोग रास्ते की वीडियो आपको इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, रात की वजह से कुछ आपको अच्छा नहीं दिखता। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को मनाली जाके एक डायरेक्ट एक पॉइंट पर आकर आपको दिखाया जाए यहाँ का व्यू। तो फिलहाल हम लोग हैं भाई मनाली माल रोड पर और यहाँ से हम लोगों को आपको व्यू दिखाने वाला हूँ। ये पीछे पूरा कैफ़े है। सो अभी हम लोगों ने यहाँ पर स्टे लिया है और हम लोग आज यहाँ पर रुकेंगे, अगले दिन हम लोग यहाँ से निकलेंगे रोहतांग पास। सो गाइस ये कैफ़े है जैक एंड जिल्स, कभी आओ मनाली में तो ट्राई करना, बहुत अच्छा है, यहाँ की सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। सो गाइस अभी बात चुके हैं रात के करीब 12, भाई ठंड 12-11 करीब 2 टेम्परेचर अभी यहाँ पे, और हमने सोचा क्यों ना एक बाहर पे आके आपको लोगों को व्यू दिखाया जाए यहाँ का। सो अभी हम उसी कैफ़े के बाहर हैं जहाँ से मैं आपको बता रहा था कि इसी कैफ़े में कल कुछ हमारे फिल्म स्टार आने वाले हैं। सो उनसे भी आप लोगों को अगर हो सकेगा मिलवाऊंगा। हे गाइस गुड मॉर्निंग। सो अभी रात काफ़ी ज़्यादा ठंड थी जिसकी वजह से हम लोग शूट नहीं कर पाए थे। सो अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मनाली का व्यू कैसा है, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, बट अभी देख सकते हो थोड़ी धूप आ चुकी है, तो इससे इतनी तो शांति है कि चलो थोड़ी ठंड कम रहेगी अकॉर्डिंग टू मिडनाइट यस्टरडे। सो बेसिकली अभी हम लोग यहाँ से रोहतांग पास निकलने वाले हैं, बट उससे पहले आप लोगों को मनाली की कुछ चीज़ें दिखाने वाला हूँ आपको मैं। अभी मनाली में व्यू कैसा है पहाड़ दिखा दूंगा, सब चीज़ आपको दिखाता रहूँगा वीडियो में। बाकी सब चलते हैं अभी क्योंकि अभी 9:30 हो रहे हैं और हमने कल पास ऑलरेडी बनवा लिया था, क्योंकि सभी लोगों को पता है जब भी मनाली
से रोहतांग पास अगर आपको जाना होता है तो पास आपको पहले बनवाना पड़ता है। सो कल इस चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रेडी कर ली थी हम लोगों ने। अभी हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से सीधा रोहतांग पास, एंड बीच में जो भी प्यारा प्यारा व्यू दिखते रहेंगे वो आपको दिखाते रहूँगा। सो ये हमारे होटल के बाहर का व्यू है और कुछ इस तरह का आपको व्यू देखने के लिए मिल जाएगा। ये पीछे कैफ़े एंड एक ये छोटा सा बना हुआ है। सो अभी आपको ना यहाँ का व्यू दिखाता हूँ थोड़ा सा, कैसा व्यू है। सो ये देखो भाई कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू है मॉर्निंग का। धूप निकल चुकी है थोड़ी थोड़ी, जिससे क्या है हम लोगों को ठंड ज़्यादा फील नहीं होगी अभी। बट रोहतांग पास में जाएंगे तो वहाँ पर ठंड काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, तो उसके लिए हम पूरा प्रिपेयर है। पूरा जैकेट ये पहन रखा है मैंने, अंदर तीन कपड़े पहन रखे हैं। सो इसी के लिए हम काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर है और आगे मनाली में दिखाता रहूँगा कहाँ अगर बर्फ़ मिलेगी आप लोगों को। सो चलते हैं। सो भाई फाइनली हम निकल चुके हैं रोहतांग पास के लिए। एक बार जयकारा लगा दे रंजीत। बोल जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। और गाइज पहले की तरह जिसने हमारा अभी लास्ट वीडियो देखा होगा मनाली का, फिर से हम लोग उसी दुकान पे आ गए हैं जहाँ पर हम लोगों ने पहले खाना खाया था। और पहले के अकॉर्डिंग इस बार काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी हो गई, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी हो गई है। और अभी जो रोहतांग पास का रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर हमारा एडवेंचर हो जाएगा अभी। और ठंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन मज़ा बहुत आने वाला है इस व्लॉग में। इस वीडियो में आप लोगों को बर्फ़ बहुत दिखने के लिए मिलेगी, क्योंकि अभी देख सकते हो यहाँ पे अभी से ही बर्फ़ इतनी ज़्यादा हो चुकी है। और जहाँ पर हमने पहले नाश्ता करा था हम लोग वहीं खड़े हैं, एंड यहाँ से भी नाश्ता करेंगे। आगे का काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर है, देखो सामने से बर्फ़ देख सकते हो। सो अभी चलने वाले हम आगे रोहतांग पास पे, यहाँ से नाश्ता कर लेते हैं जल्दी, चाय वाय पी लेते हैं सुबह से, क्योंकि कुछ भी नहीं खाया हम लोगों ने। यहाँ से जल्दी निकलते हैं लोग और रोहतांग पास पे मिलते हैं डायरेक्ट। तो भाई ये देखो आगे चला जाए बंदा, थोड़ा पूरी बर्फ है भाई ये। और भाई तुम्हारा भाई जाता है बहुत थोड़ी। ओ भाई साहब, भाई साहब कितनी गंदी बर्फ जमी हुई इधर, देखो ठोस है बिल्कुल ठोस। और ये रोहतांग पास का रास्ता है गाइस। ओ भाई आराम से। सो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं रोहतांग पास के लिए और बीच में कुछ ऐसा व्यू देखने के लिए मिल जाएगा आप लोगों को। सो वहाँ पर ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा ठंड होने वाली है। मैंने कुछ पूछा, पूछा मैंने कुछ। सो गाइस अभी फाइनली हम लोग हैं रोहतांग पास और यहाँ से निकलने वाले हम। ठंड बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा भाई, चलो ऐसी जगह कभी आ रहे हो तो ऑब्वियसली बात है मैगी खानी पड़ेगी, इसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ पे तुम्हें। तो बर्फ देखो भाई, भाई राजन भाई कुछ कहना चाहोगे? भाई बहुत मजा आ रहा है, बर्फ देखी पहली बार जिंदगी में, एंजॉय आ गया फुल। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? जीरो पॉइंट, चलो भाई चलते हैं जीरो पॉइंट की तरफ। तो भाई बर्फ देखो भाई एक बार, तुम बर्फ देखो भाई, गजब बर्फ है देखो। तो भाई आराम से आना, हाँ आराम से ग्रिप बना के आओ। भाई साहब वाह, बर्फ अति बर्फ। चलो 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 मुंह में मारना है ऐसे, आउट आउट मेरे बेटे को भाई सेम फैन में आउट। ओ भाई एक बार एक बार एक बार भाई बोल मार, बोल दो बोल दो भाई, बोल दो मैं भी देता हूं। मेरा बताओ दो भाई, बोल दो ले। तो भाई
इंजॉय हो रहा अपना फुल। ये मजा नहीं आ रहा, वो ठंड अच्छी है, मजा आ रहा है। शिवम भाई कैच करो, कैच। अरे यार लंग तो हल्की सी थी यार। अब बनाते भाई, एक रुक जाओ भाई, मारना हाथ में ऐसे होते हैं भाई। इसको बैग को उतार के मार रख दो ना, बैग को उतार के मार रख दो भाई, मारो मारो उसको, राज कर दो। वन टू थ्री। सो गाइज, एक चीज़ अच्छी हुई हमारे साथ, बर्फ में धूप काफ़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से ठंड नहीं लग रही इसमें। नहीं तो इस वक्त ऐसा माहौल है यहाँ पे कि बंदों को खड़ा होने का भी ना मास्क लगा के पूरा सब चीज़ें चाहिए होती, बट अभी क्या हो गया है कि हम लोग लास्ट टाइम बहुत हालत ख़राब थी अकॉर्डिंग टू अब। सो अभी क्या है, अभी यहाँ पर मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ़ है, और बर्फ़ में मज़ा तो घूमने का तभी आता है जब ठंड कम लगे आप लोगों को, और इसके लिए यहाँ पर धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है, देख सकते हो आप लोग। सो गाइज, अभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है और हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं यहाँ से अभी, क्योंकि 5-6 बजे बंद हो जाएगा ये, और ठंड काफ़ी ज़्यादा है लेकिन धूप की वजह से ठंड नहीं लग रही हम लोगों को। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइज, और प्लीज़ आप लोग वीडियो देखते हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दोगे, और मैं इतनी मेहनत करता हूँ आप ही लोगों के लिए, और अब से वीडियो जो आएंगी वो ऐसे ही कुछ आएंगी, आप लोग व्यू देख सकते हो। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।